प्रिय बिहार के तमाम न्यायालय से जुड़े सभी सदस्यगण को हार्दिक पूर्वक स्वागत करता हूं कि आप लोग ने लंबे समय से आप लोग धैर्य पूर्वक रहे। मैं सिकंदर प्रसाद, उपनाम मुखिया जी, नालंदा बिहार, आप लोग की जो तरह तरह की बातें ऑडियो द्वारा सुन रहे हैं, न्यूज जो आप लोग को भ्रमित कर रहा, उस संबंध में आप लोग को जानकारी दे देता हूं ताकि आप लोग उससे समझे। और जो लोग आप लोग का ब्रेन वॉश करवा रहा है यूट्यूबर या व्हाट्सएप पर ग्रुप में ऑडियो देकर तरह तरह के बातों को गलत ढंग से प्रसारित कर आप लोग का माइंड इधर से उधर भ्रमित कर रहा, उनसे बचने के लिए सारी बातें के साथ आप लोग का हाजिर हूँ। आज दिनांक 27/4/2024, मैं आप लोग को जो कल दिन था वो शनिवार, उसमें कुछ बातें जानकारी आने का संभावना मिली थी, पर किसी कारणवश हम लोग का कार्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। और पूरे बिहार में सभी बेरोजगार लोग जो जानकारियां मिलती है, जो सब लोग चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि उन लोग के पास अभी फिलहाल किसी प्रकार की जानकारियां नहीं मिल रही है, सब लोग साइलेंट हो गए। जो न्यूज़ थे जे शांति बंद कर एकदम कोने में छिप गए, जिसके कारण अधीर हो रहे हैं बेरोजगार सदस्य लोग। कुछ या एक आइडियो देख रहा हूँ, उसमें बताया जा रहा है कि अभी नहीं, क्या बता रहा है, जो विधानसभा होगा तो ये होगा, तो संविदा का एक कार्य होगा, तो ऐसे होगा उसे होगा, सब बात तो आप लोग सुन ही रहे होंगे। हम क्या उसके बारे में बताएं, ज़्यादा बोलेंगे तो कहें कि मेरे भी आइडियो को या मेरे बातों को इन लोग दबाना चाहता है या करना चाहता, तो मैं दबाना नहीं चाहता हूँ। मैं आप लोग का कह देता हूँ, जो भाई इस तरह की आइडियो देकर लोगों को झूठी मूठी बातें फैलाकर माइंड पर बहुत बड़ा बोझ फैलाना चाहता है, उन बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ ऐसा काम नहीं करें। क्योंकि जो भी कार्य है, हम नहीं बताएंगे कि तीन सदस्य या त्रुटि संबंधी या कोई सदस्य चौधरी कमेटी सदस्य या कोई भी तरह से कमेटी की बात करें, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी कार्य करना था, जो हम लोग का बहुत दिनों पहले, बहुत महीने पहले ही कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, अगर जानकारी नहीं है तो क्या आप बताएं, तो बोल कहिएगा कि निकला क्यों नहीं, तो निकला नहीं क्यों ये सुन लीजिए, आपको क्या समझावे, जानते हैं ना, परिवार नियोजन की बात करते हैं, हर चीज बच्चे के पैदा होता है तो 9 महीना लग ही न जाता है, ऐसा नहीं न कि उसको पेट में आते ही निकल जाता है, तो प्रक्रिया तो जारी ही न रहेगा, विभागीय प्रक्रिया है, 17 की काम होना है, और जो काम नहीं होना था वे काम किया जा रहा है, मीर चीज को जिया कर पुनः जीवित किया गया कम बात है, इस सब बात को समझिए। आप लोग कहाँ भटक रहे हैं, आप लोग कहाँ बातों को फॉलो कर रहे हैं, ये सब बातों पर फॉलो करिए, कुछ भी नहीं था जो होने जा रहा है, कम बात है। रही बात जो समय जो दिया जा रहा है बार बार, आज कल जो समय दिन पर दिन, तारीख पर तारीख, वो सब अब समय देने का कोई जरूरत नहीं है, अभी से शाम से, कल हुआ परसों हुआ तरसों नहीं होगा, और आप लोग अपना सारा कार्य देख लेंगे। सब लोग जो न्यूज देते थे जो पागल बौड़ा थे, जो कहते थे कि आचरण बनाइए तो ये चीज बनाइए तो कागज बनाइए तो ये काम हो रहा, वो सब भी आदमी थे यार, वो सब भी जो बोला जो सच बोला है, लेकिन हम आप लोग को कहते हैं कुछ बनाना उनाना नहीं है, आप लोग का करना क्या,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो ड्यूटी किए हैं उसका परिचय पत्र, और साथ साथ एक चीज और, बैंक में जिस पेमेंट किए हैं उसका, इतना ही का फोटो स्टेट करा कर रखें। जल्द से जल्द आपका जिला का जो पदाधिकारी होंगे, जिनको नियुक्त किया गया है, वो आप लोग को बुलाएंगे। आप लोग वहां पर जाएंगे, सारा कार्य करेंगे। अब रही बात आचार संहिता में ऐसा होता है, तो मैं इस संबंध में भी बताता हूँ आचार संहिता में क्या होता है क्या नहीं होता, जो सुन लीजिए। आचार संहिता चुनाव के समय लगता है कोई नए नियम का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, नया रूल नहीं लागू कर सकते हैं, नया काम नहीं कर सकते हैं, तो इस संबंध में बताता हूँ। जो आप लोग का कार्य है, जो बहुत पुराना और बहुत लंबित और कोर्ट से जुड़े हुए है, जो कि ये सब बातें बहुत पहले हैं बिहार सरकार द्वारा सबका निर्णय लेते हुए इसको पारित कर दिया गया है, तो इसे निकालने में क्या देरी होगी? देरी होगी तो सरकार की कमी होगी, सरकार ऐसा नहीं चाहेगी तो नहीं होगी, लेकिन सरकार की इस पर कोई तरह की कोई आलोचना नहीं होगी। और सरकार कल बैठक किए थे अपने दल या अपने सदस्य, जो अपने विभागीय आदमी या प्रशासनिक, इनके साथ बैठक किए थे, उसमें सारी बात कह दिए कि इतना का इतना इतना का निकाल दीजिए, और एक विभाग का कुछ मामला था उसमें नहीं बता सकते, जो कि थोड़ा प्रोसेस का काम था, जो बाद में उस विभाग का काम कर लिया जाएगा, जो शिक्षा से संबंधित है, इतने समझिए, वो भी काम होगा और जल्द होगी। भाइयों एवं बहनों, घबराए नहीं, जो भी ऑडियो दे रहा है इस तरह से बिल्कुल निराधारक बातें बोल रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा उन बंधुओं से कि आप अगर कोई जानकारी नहीं तो थोड़ा सा संयम बरतते हुए रहें और आगे देखें। बहुत जल्द आपका कार्य दिखने जा रही है और दिखेगी। मैं आप लोग का फुल्ली रूप से आप लोग का कह रहा हूं, किसी प्रकार की कोई डाउट फुल नहीं, आप लोग का कार्य हुआ नहीं हो गया। और ये आईडियो में बोलता है कि ऐसा जब बात बोलते हैं जैसा, ये बिल्कुल निरार्थ जनक बात है, बिल्कुल गलत बात है। वो आईडियो में देने वाला, उनको भी मैं थोड़ा सा समय मांगता हूं उनसे कि थोड़ा सा वक्त और देख लीजिए, उसके बाद आपको जो भी कहना है करना है, हम भी आपके साथ होंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर फोन करते हैं आप मेरे मोबाइल पर तो हम कॉल नहीं उठाते हैं, इसके लिए मुझे खेद है। आप लोग को भी कहते हैं ज़्यादा कॉल नहीं करें, ज़्यादा अति आवश्यक है तो मेरे पर व्हाट्सएप पर या मैसेज कर दें, मैं मैसेज का जवाब जल्द रिप्लाई देंगे। और रही बात भाइयों कि हम कोई अब ग्रुप नहीं में जुड़े हुए हैं, अन्य कभी जुड़े थे, और आप लोग को अगर मेरे बातों को मेरे आइडियो या वीडियो नहीं पहुँच पाता तो मैं लिंक बता देता हूँ। लिंक मेरा हो है endroot.u2asv, इतना पर डायल करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, जो जीता होगा सिकंदर उसमें सारी मेरी बातें आ जाएगी। साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर चाहते हैं कि हमेशा मेरी बात अच्छा लग रहा है या अच्छा जानकारी दे रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे कि दोबारा आप पर नहीं भेजा जाए, भेजे हुए भी आपके यहाँ पहुँच जाए। और ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा बहुत बड़ा नाम कमाना, मुझे ज़रूरत नहीं, आपकी ज़रूरत अगर होगी तो ऐसा काम करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरा भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मुझे भी खुशी मिलेगी। आपकी खुशी से मेरी खुशी मिलती है, तो इसमें आपकी क्या आपत्ति है अगर अच्छी बात बोल रहे हैं तो। और क्या कहें भाइयों, और जल्दी आप, आज से शुरू हुआ कहानी, शाम से देखिए, जो कह दिया बार बार बोलना उचित नहीं, कार्य हुआ, मुझे अभी जानकारी मिली थी जो आप तक शेयर कर दिया हूँ। मेरा विश्वास सूत्रों, कोई साधारण आदमी नहीं है, जहाँ से जो चीज उत्पत्ति होती है वहाँ पर भी ही आदमी बैठे हुए हैं, और जो जान रहे हैं सबसे बड़ा कौन होता है, भगवान होता है, हर हर महादेव कहते हैं, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि के रचयिता के साथ जो भी नारद मुनि रहेंगे उनको तो जरूर ना जानकारी होगा, नारद मुनि का ही मैं चेला हूँ तो जरूर नारद मुनि से संपर्क करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, प्रिय भाइयों बहनों, घबराए नहीं, आपका कार्य हुआ नहीं हो गया,
जो नारा दिया था उसके बाद पूरा होने जा रहा है। और रही बात कुछ लोग शांति है उनके लिए धैर्य पूर्वक रहें, वो भी आप लोग को सामने आएंगे और कुछ न कुछ बातों को रखेंगे, नहीं रख रहे हैं, हम लोग के हित के काम कर रहे हैं, इसलिए घबराए नहीं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रिय भाई आप लोग का हार्दिक शुभकामना करता हूँ, धन्यवाद।